अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग बच्चों। फर्स्ट ईयर बायोलॉजी में आज हम लोगों ने वो जगह पढ़नी है जहाँ पे फोटोसिंथेसिस होती है। आपको पता है हम लोगों ने ये फोटोसिंथेसिस वाला चैप्टर शुरू किया है हुआ है। हम लोग फोटोसिंथेसिस की सारी डिटेल समझेंगे और बिल्कुल हम आगाज़ से शुरू कर रहे हैं, यानी कि उस जगह से जहाँ पे फोटोसिंथेसिस होती है। इसके बाद बच्चों हम फोटोसिंथेसिस में हिस्सा लेने वाली सारी चीज़ों की तफसील पढ़ेंगे। लाइट की तफसील पढ़ेंगे, वाटर की तफसील पढ़ेंगे, CO2 की पढ़ेंगे, पिगमेंट्स की तफसील पढ़ेंगे। लेकिन आज का हमारा लेक्चर उस जगह के बारे में, उस साइट के बारे में, उस लोकेशन के बारे में जिस जगह पे फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है। तो लेक्चर शुरू करते हैं बच्चों। हमारा आज का टॉपिक है क्लोरोप्लास्ट, द साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस। साइट कहते हैं जगह को, यानी कि वो जगह जहाँ पे फोटोसिंथेसिस होती है। तो बच्चों एवरी पार्ट ऑफ ग्रीन प्लांट हैव क्लोरोप्लास्ट। हर जो ग्रीन पौधे का हर पार्ट होता है ना, कि ग्रीन पौधा लाइक एक हर्बेशियस ट्री, उसके तने में भी क्लोरोप्लास्ट होते हैं, उसके रूट में भी क्लोरोप्लास्ट होते हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा मोस्ट अबंडेंट क्लोरोप्लास्ट कहाँ होते हैं? लीव्स में। इसलिए हम कहते हैं कि लीव इज़ अ साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस, जबकि हम तने को कभी भी फोटोसिंथेसिस की साइट नहीं कहते। तो बच्चों मोस्ट अबंडेंट इन लीव्स, लेकिन क्लोरोप्लास्ट सबसे ज़्यादा कहाँ होते हैं? पत्ते में। कितने होते हैं? 0.5 मिलियन पर स्क्वायर मिलीमीटर। 0.5 मिलियन का मतलब है 5 लाख। अगर आपके पास बच्चों पत्ते का सिर्फ इतना सा हिस्सा हो, इतना सा हिस्सा, इसमें कितने क्लोरोप्लास्ट होंगे? 5 लाख। तो बहुत बड़ी तादाद है क्लोरोप्लास्ट की जो पत्ते में पाए जाते हैं। अब हम देखते हैं जी पत्ते के अंदर कैसे क्लोरोफिल होते हैं। हम क्लोरोफिल का क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर भी देखेंगे। तो बच्चों यहाँ से शुरू करते हैं। ये आप देख रहे हो एक पौधे की एक ब्रांच सी है, डानी सी है, जिस पे कुछ लीव्स है, ठीक है। ये बच्चों हमारे पास ब्रांच हो गई, ठीक है। इस ब्रांच का आप एक लीफ ले लें, ये बच्चों एक हमने लीफ लिया, ये पत्ता आपके सामने है। इस पत्ते का सिर्फ ये जो इतना सा हिस्सा है ना, ये जो छोटा सा हिस्सा, इस हिस्से को आप माइक्रोस्कोप में देखें, आपको ये चीज़ नज़र आती है। लाइक बच्चे आपको मैं यूँ समझाता हूँ कि ये मेरा हाथ एक पत्ता है, मेरा हैंड एक लीव है, ये लीव की अपर साइड, ये लीव की लोअर साइड। बच्चों आप मेरे हाथ का इतना सा पीस लें, इतना सा पीस लें, गोल सा पीस, उसको आप माइक्रोस्कोप में देखें, इस डायरेक्शन से देखें जिससे आप अब देख रहे हो, इस डायरेक्शन से पत्ते को भी आपने इस डायरेक्शन में देख रहे हो, तो पत्ते को आप इस डायरेक्शन में देखो, पत्ते आपको यूँ नज़र आते हैं। समझ आई बच्चों? ये पत्ते की अपर लेयर हो गई, ये लोअर लेयर हो गई। तो अपर लेयर को आप बोलते हो अपर एपिडर्मस, दिस इज अपर एपिडर्मस, एपिडर्मस, ठीक है बच्चों। और ये लोअर एपिडर्मस बच्चों, लोअर एपिडर्मस, ईजी है ना। एपिडर्मस आउटसाइड लेयर को कहते हैं अपर एपिडर्मस, लोअर एपिडर्मस। ये बच्चों स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर ऑफ लीव। अब पत्ते की अपर और लोअर लेयर के दरमियान में आप ये सारी चीज़ें देख रहे हो बच्चों। ये क्या है? ये सारे सेल्स हैं, ये सारे लीव्स के सेल्स हैं। ये सेल्स जो हैं इनको आप बोलते हो मीजोफिल सेल। अब मीजोफिल सेल के ये वाले जो अपर लेयर है ना, ये आप देख रहे हो इसमें काफ़ी ज़्यादा स्मूथ सेल्स है, सीधी लाइन में है, इनको बोलते हो पैलीसेड मीजोफिल, पैलीसेड मीजोफिल सेल्स बच्चों। और जो लोअर लेयर में ये वाले मीजोफिल सेल है जिनमें काफ़ी ज़्यादा स्पेसीज है, इनको बोलते हो स्पॉन्जी मीजोफिल। क्या बोलते हो बच्चों? स्पॉन्जी मीजोफिल। स्पॉन्जी का मतलब क्या होता है? पोरस, के इनके अंदर काफ़ी ज़्यादा पोर्स मौजूद है। और बच्चों ये क्या है? ये जाइलम की नाली है जो कि वाटर लेके आती है। अब आपको समझ आ रहा होगा कि पत्ते के अंदर जाइलम वाटर लेके आ गया। ये सेल्स काफ़ी ज़्यादा मैंने ग्रीन शो इसलिए किए हुए हैं क्योंकि इनमें बहुत ज़्यादा क्लोरोफिल होते हैं। तो अगर आपसे सिंपली पूछा जाए कि पत्ते का कौन सा सेल फोटोसिंथेसिस करता है, तो आपने कहना है मीजोफिल सेल। बच्चों कौन सा सेल? मीजोफिल सेल फोटोसिंथेसिस करता है। अब मैं आपको एक रीज़न और बताता हूँ बच्चों। आप देख रहे हो कि पत्ते की अपर साइड पे मीजोफिल ज़्यादा है, लोअर साइड पे कम है, इसकी क्या रीज़न है? इसकी रीज़न ये है कि दिस इज़ अ लीव, लाइट डायरेक्ट पड़ेगी अपर साइड पे, अपर साइड पे लाइट ज़्यादा पड़ती है, तो क्लोरो जो मीजोफिल सेल है वो नीचे से खुद ब खुद ऊपर आ जाते हैं। क्यों?
क्योंकि अपर से उनको लाइट ज़्यादा मिलेगी, उनको लाइट चाहिए फोटोसिंथेसिस करने के लिए, इसलिए अपर साइड पे मेसोफिल सेल ज़्यादा है, लोअर पे कम है और दूर दूर है। अच्छा तो बच्चों मेसोफिल सेल का एक का स्ट्रक्चर आप देखें, दिस इज़ वन मेसोफिल सेल, इसको आप माइक्रोस्कोप में देख रहे हो। अब ये मैंने सेल बढ़ा करके बना लिया। अब इस मेसोफिल सेल में बच्चों अगर आप देखो तो इस मेसोफिल सेल में ये किसका स्ट्रक्चर है, पहले स्ट्रक्चर लिख लें, इट इज़ स्ट्रक्चर ऑफ मेसोफिल सेल। तो बेटा मेसोफिल सेल में कुछ चीज़ें लाइक ये मेसोफिल सेल का क्या है, वैक्यूल हो गया, ठीक है बच्चों, ये उसका क्लोरोप्लास्ट हो गया जो आप छोटा सा ग्रीन रंग का देख रहे हो, दिस इज क्लोरोप्लास्ट, और ये बच्चों उसका न्यूक्लियस हो गया, ठीक है। ये मेसोफिल सेल की कुछ इंपॉर्टेंट हिस्से, हमने किस चीज़ को देखना है, हमने इन हिस्सों को देखना है, दैट इज क्लोरोप्लास्ट। क्लोरो का मतलब होता है क्लोरोफिल, ठीक है, ये क्लोरोफिल रखने वाला एक ऑर्गेनेली है। अब हमने इसको माइक्रोस्कोप में निकाला और ये हमारे पास आ गया बच्चों क्लोरोप्लास्ट। तो ये किसका स्ट्रक्चर है, क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर बच्चों मैं अब आपको दिखा रहा हूँ। अब इस क्लोरोप्लास्ट में ज़रा देखिए क्या क्या है बच्चों। क्लोरोप्लास्ट के अंदर सबसे पहले तो इसकी ये डबल मेम्ब्रेन है, इस डबल मेम्ब्रेन को आप बोलते हो बच्चों इनवेलप, इट इज़ इनवेलप, ठीक हो गया। इनवेलप के बाद इसके अंदर एक फ्लूइड सा होता है, यहाँ पे बच्चों एक लिक्विड सा होता है यहाँ पे, उस लिक्विड को आप बोलते हो स्ट्रोमा। अंदर इसके क्या है, इसके अंदर है स्ट्रोमा। तो सेकेंडली स्ट्रोमा हम देख रहे हो। इसके बाद बच्चों स्ट्रोमा के बाद क्या है, आपको ये कुछ थैलियाँ सी नज़र आ रही हैं, ठीक है। ये एक थैली जो है ना, ये लाइक इस टाइप की है, मेम्ब्रेन बाउंड एक सैक है, ठीक है, ये दिस इज़ वन, ऐसे कई एक दूसरे के ऊपर पड़ी हुई हैं, ठीक है। अब ये जो एक थैली है इसको आप बोलते हो थाइलाकॉइड, दिस इज़ थाइलाकॉइड, ये जो मेम्ब्रेन बाउंड सैक है दैट इज़ कॉल्ड थाइलाकॉइड, ठीक है। और थाइलाकॉइड एक मेम्ब्रेन बाउंड सैक है, एक्चुअली क्लोरोफिल इनके अंदर है, क्लोरोफिल कहाँ है, थाइलाकॉइड में। अब थाइलाकॉइड का जो एक ढेर सा आपके पास बन रहा है, ये जो पूरा थाइलाकॉइड का बच्चों एक स्टैक बन गया, थाइलाकॉइड एक दूसरे के ऊपर पड़े हुए हैं, जिस तरीके से कॉइन रखे हो, लाइक आप बिस्कुट लेके बिस्कुट को एक दूसरे के ऊपर, जो खाने वाले बिस्कुट होते हैं उनके ऊपर रख के एक लेयर बना दे, ऐसे रखे हुए हैं थाइलाकॉइड। तो थाइलाकॉइड ये जो एक दूसरे के ऊपर रख के एक उनका स्टैक बन जाता है, एक जो डेरी सी बन जाती है, इस डेरी को आप बोलते हो ग्रैनम। बच्चों क्या हो गया, ये अब पूरा स्ट्रक्चर ग्रैनम, आपको समझ आ रही है ना मेरी बात, कि ये ग्रैनम हो गया। और एक थैली की अगर आप बात करें दैट इज़ कॉल्ड थाइलाकॉइड। अच्छा तो बच्चों थाइलाकॉइड के अभी हम स्ट्रक्चर देखेंगे। थाइलाकॉइड के अंदर एक्चुअली लाइट रिएक्शन होता है, फोटोसिंथेसिस दो फेजेस में होती है, लाइट रिएक्शन डार्क रिएक्शन। लाइट रिएक्शन के लिए लाइट रिक्वायर होती है, और वो रिएक्शन कहाँ होता है, थाइलाकॉइड में। तो बच्चों हमने एक थाइलाकॉइड को उठाया, हम उसको यहाँ पर ले आए। अब ये बच्चों आप एक थाइलाकॉइड को देख रहे हो, थाइलाकॉइड के जो अंदर खाली जगह होती है उसको बोलते हो ल्यूमन, क्या बोलते हो ल्यूमन, या उसको बोलते हो थाइलाकॉइड इंटीरियर स्पेस, ल्यूमन या थाइलाकॉइड इंटीरियर स्पेस। बच्चों ऐसे है कि थाइलाकॉइड के चारों तरफ मेम्ब्रेन है, अंदर जगह खाली है, अंदर जो खाली जगह है वो है थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन इंटीरियर स्पेस, इंटीरियर स्पेस या ल्यूमन। अच्छा तो बच्चों जो थाइलाकॉइड की मेम्ब्रेन है, इस मेम्ब्रेन को अगर आप देखें तो, अब ये मैंने मेम्ब्रेन निकाल के बनाई है, ये रेड कलर की थाइलाकॉइड की मेम्ब्रेन है, यानी सेल मेम्ब्रेन की तरह ही होती है ये आम मेम्ब्रेन। आपको पता है सेल मेम्ब्रेन लिपिड की दो लेयर्स पर मुश्तमिल होती है, तो ये लिपिड की डबल लेयर हो गई। इस डबल लेयर के अंदर ये ना कुछ चीज़ें लगी हुई हैं, ये वाला क्या है बच्चों, ये है क्लोरोफिल, ये जो ग्रीन देख रहे हो आप क्या है, क्लोरोफिल। तो क्लोरोफिल कहाँ पाया जाता है, थाइलाकॉइड की मेम्ब्रेन में बच्चों, क्लोरोफिल यहाँ पे होता है थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन के अंदर। और ये जो आप एक सिस्टम सब देख रहे हो, ये भी क्लोरोफिल है, ये भी क्लोरोफिल, बीच में ये कुछ हिस्से, ये एक्चुअली बना रहे हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। तो बच्चों जो लाइट रिएक्शन है वो कहाँ होता है, वो इस मेम्ब्रेन में होता है एक्चुअली। हम लोग आगे तफसील भी पढ़ेंगे इस पूरे चीज़ के, हम लोग तफसील पढ़ेंगे लाइट रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस
टेक प्लेस इन मेम्ब्रेन ऑफ थाइलाकॉइड। अब लाइट रिएक्शन में होता क्या है, आपको याद है बच्चों लाइट रिएक्शन में क्या होता है, मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। जो लाइट रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस होता है ना, उस लाइट रिएक्शन में दो चीज़ें बनाई जाती होती है, एक एटीपी, यहाँ बनता है एटीपी, और दूसरा वाटर से हाइड्रोजन लेके NADPH। ठीक है बच्चों, तो लाइट रिएक्शन कहाँ होता है, थाइलाकॉइड में, थाइलाकॉइड की मेम्ब्रेन में, थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन में। और दूसरी तरफ ये भी मैं आपको बताता जाऊँ, ये जो एटीपी बनाई जाती है ना, एटीपी, ये एटीपी बनाने वाला एक पंप है, इस पंप का क्या नाम है, एटीपी सिंथेटेज, आगे चल के आप पढ़ेंगे, ये एटीपी बनाने वाला पंप है, और ये एक प्रोसेस से एटीपी बनाता है, उस प्रोसेस को आप कहते हो केमी ऑस्मोसिस। ठीक है, ये एटीपी बनाता है, लाइट रिएक्शन में एटीपी भी बनते हैं, और लाइट रिएक्शन से वाटर के में से हाइड्रोजन को निकाल कर उससे NADPH बनाया जाता है। फिर बच्चों जो डार्क रिएक्शन है वो कहाँ होता है, आपको समझ आ गई कि लाइट रिएक्शन तो इन थैलियों में हो जाएगा, और जो डार्क रिएक्शन है वो बच्चों यहाँ होता है इस रीजन में, ये क्या है, स्ट्रोमा। तो डार्क रिएक्शन आपका होता है स्ट्रोमा में, और डार्क रिएक्शन में आपको याद होगा कि ग्लूकोज बनाया जाता है कार्बन डाइऑक्साइड को रिड्यूस करके, और साथ एटीपी में से एनर्जी ले ली जाती है, और साथ यूज़ किया जाता है CO2, और वो रिएक्शन होता है यहाँ पर। तो बच्चों आज मैंने आपको क्लोरोप्लास्ट का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया है, इसके अंदर काफ़ी मैंने डिटेल उसकी जो अल्ट्रा स्ट्रक्चर आपको वो बताया है कि लीव के अंदर मेसोफिल सेल होते हैं, मेसोफिल सेल के अंदर क्लोरोप्लास्ट होते हैं, यहाँ तक आपने पहले ही पढ़ा। फिर क्लोरोप्लास्ट के अंदर ये थाइलाकॉइड, थाइलाकॉइड की मेम्ब्रेन में इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन वाला सिस्टम होता है जिससे ATP बनते हैं केमी ऑस्मोसिस के ज़रिए से। यहाँ बच्चों मैं आपको थोड़ा सा बैक्टीरिया के बारे में भी बताता जाऊँ। बैक्टीरिया, आपको पता है कि बैक्टीरिया के अंदर फोटोसिंथेसिस कुछ में होती है, जैसे साइनोबैक्टीरिया, तो उन बैक्टीरिया में ये चीज़ नहीं होती क्लोरोप्लास्ट, उनके जो पिगमेंट होते हैं वो सिंपली साइटोप्लाज्म में ही होते हैं, क्योंकि मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स आर एब्सेंट इन बैक्टीरिया एंड ऑल अदर प्रोक्रियोट्स। तो बच्चों आज का हमारा जो लेक्चर है वो यहीं तक था क्लोरोप्लास्ट के बारे में। कोई क्वेश्चन हो वो मुझसे कमेंट में पूछ लीजिए। अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।